नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन को याद करना। आज हम पढ़ रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन जिसका नाम है बोविस्टा। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ, एक लड़की थी, उसने अपनी दोस्त से पूछा, यार एक ड्रेस सिलानी है, कोई अच्छा सा टेलर बता अपने एरिया में, कोई बढ़िया सा टेलर हो बस उसका एड्रेस दे तो मैं वहाँ पर जाके उससे नाप दे के आती हूँ। तो वह एड्रेस बता देती है, एड्रेस यहाँ से जाना, सीधा 3 गली छोड़ना और चौथा वाला जो दुकान है वो टेलर है, बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है, ठीक, वो काफ़ी एजेड टेलर है और अच्छे सिलता है, जाके एक बार देख। वो जाती है तो दुकान में जैसे ही एंटर करती है तो वो देखती है कि टेलर जो है वो दीवार की तरफ फेस करके सिलाई करने में लगा हुआ था, ठीक है। तो उसको फिर वहाँ पे खड़ी खड़ी पहले तो वो नोटिस करती है टेलर को। वो क्या देखती है कि टेलर जो है अपने कॉकेक्स वाले रीजन में, कॉकेक्स मतलब जहाँ पे ये आप बेल्ट बांधते हैं पीछे पीठ पर, उसका जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पे खुजाने में लगा, खुजाने में लगा, खुजाने में लगा, खुजाया जा रहा है, खुजाया जा रहा है, खुजाया जा रहा है, जब तक कि वो एरिया बिल्कुल लाल नहीं हो गया, पूरा वहाँ पे थोड़ी थोड़ी खाल नहीं निकल आई है ना, पूरा एकदम एरिया जब तक रॉ नहीं हो गया, तो उसमें थोड़ा वो दर्द ना होने लगे तब तक वो खुजाया जा रहा है, खुजाया जा रहा है, ठीक। इनटॉलरेबल इचिंग एट द टिप ऑफ द कॉकिक्स मस्ट स्क्रैच टिल द पार्ट बिकम रॉ एंड सोर, खुजाया जा रहा है। फिर वो नोटिस कर और नोटिस करी, फिर उसने देखा कि जब भी वो कैंची चला रहा, थोड़ी देर बाद कैंची उसकी गिर जा रही है। बोलते कैसा टेलर बता दिया मेरे को, कैंची तक नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है। ऑकवर्डनेस इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड, ठीक है, कैंची तक नहीं संभाल पा रहा है, ये क्या कपड़े से लेगा मेरे। फिर वो ध्यान से देखती है तो देखती है कि उसके जो हाथ हैं, अंगूठे वगैरह हैं, उंगलियां हैं, उन पर कैंची के निशान पड़े हुए हैं। जब आदमी बहुत लंबे समय तक कैंची चलाता है तो उसके निशान यहाँ पर पड़ जाते हैं। वो देखती है तो उसे लगता है अरे एक्सपीरियंस तो है, आदमी बीमारी से सफ़र कर रहा है लेकिन एक्सपीरियंस तो है, सिल देगा अच्छे कपड़े, ठीक है। तो यूजुअली डीप इम्प्रेशन ऑन फिंगर्स यूजुअली ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यूजिंग ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीजर नाइफ एक्सेट्रा, ठीक है, वो कहती है ओके, ठीक है। फिर वो अंदर घुसती है तो फिर टेलर पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या करवाने आए हो। मैंने बोला अंकल एक ड्रेस सिलवानी है, ठीक है, उसके लिए मैं आई हूँ आपके पास, तो ठीक है बोला बैठो मैं तुम्हारा नाप लेता हूँ, ठीक है। वो बैठी होती है, जब नाप लेना स्टार्ट करता है तो उससे पहले बोलती है वो होम्योपैथी पढ़ रही थी ना, अंकल ये आपको पीठ पर अर्टिकेरिया हो चुका है ना, इसके लिए आपने कोई दवाई वगैरह ली। तो बोला हाँ बेटा गया था मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर के पास में, उन्होंने एक रस्टॉक्स नाम की मेडिसिन दी थी, रस्टॉक्स, हाँ हाँ याद आ गया है ना, रस्टॉक्स नाम की मेडिसिन दी थी लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिल रहा। तो वो कहती है कि ला अंकल रुक जाओ, मैं आपको एक लिख के दे रही हूँ, ठीक है, ये वाली मेडिसिन लेना आपको 100% आराम मिल जाएगा, ठीक है। वो बोविस्टा लिख के दे देती है, ठीक। इन क्रोनिक अर्टिकेरिया व्हेन रस्टॉक्स सीम इंडिकेटेड बट फेल्स टू क्योर, तो हम बोविस्टा दे देते हैं, ठीक है, बोविस्टा दे दी उसने। और फिर उसके बाद में अंकल ने क्या किया, टेलर वाले अंकल ने नाप लेना चालू किया, ठीक है। अब उन्होंने नाप लेना चालू किया, नीचे से उन्होंने नाप लिया पहले पैरों का, फिर उसके बाद कमर में आए, कमर का नाप लेना चालू किया, इतना टाइट रखूँ, ठीक है ना। बोला नहीं अंकल कमर में तो बिल्कुल भी टाइट नहीं, ठीक है, कमर पर बिल्कुल भी टाइट नहीं, बोला बेटा फिटिंग बिगड़ जाएगी, ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा आप, लेकिन कमर पर टाइट नहीं रखना, मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता कमर पर कोई भी टाइट चीज, ठीक है। इनटॉलरेबल ऑफ टाइट क्लोथिंग अराउंड दी वेस्ट, ठीक है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती वो कमर के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अंकल नाप लेते लेते ऊपर आए, उन्होंने बोला हाथ सीधे करो, ठीक है, हाथ सीधे किए तो फिर क्या हुआ, उसकी जो एक्जिला है ये बगल, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑनियन जैसी स्मेल आ रही है, जो पसीना है वहाँ का उसकी स्मेल कैसी आ रही है, ऑनियन जैसी। तो टेलर बोलते हैं ऑनियन बहुत खाते हो, बहुत प्याज खाते हो तुम। बोला अंकल आपको कैसे पता मैं प्याज खाती हूँ। बोले ये जो तुम्हारे एक्जिला है ना, इनसे पसीने में से तुम्हारे ऑनियन की बदबू आ रही है। बोला अच्छा, शर्मा जाती है बेचारी है ना। उसके बाद में अब वो घर जाती है, घर जाती है तो घर का गेट खोलती है और सीधी बाथरूम में भागती, सीधी बाथरूम में, माँ देखती रह जाती क्या हो गया बेटा है ना, एकदम से सीधी की सीधी बाथरूम में भागी है ना। उसके बाद में वो निकल के आती है, निकल के आती है तो माँ पूछती है क्या हुआ बेटा है ना, माँ डायरिया लग गए, बड़ी रोक बड़ी मुश्किल से रोक के आई हूँ वहाँ से, और अब तो फिर ना डायरिया लग गया। बोला ये है ना, हर एक बार होता है मेरे, जब भी मेंसेस आने वाले होते हैं ना उससे पहले मेरे को डायरिया लग जाते हैं। अब देखो मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, मेंसेस आ जाएंगे, अब रात भर मैं परेशान रहूँगी। क्यों रात में क्यों परेशान रहेगी, मेंसेस रात में ही आते हैं, बस दिन में आते ही नहीं, बस जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो सिर्फ रात में होता है, ठीक है। तो डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस्ट्रुअल फ्लो ओनली ड्यूरिंग नाइट, ठीक है दोस्तों, कहानी खत्म होती है।
ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बॉबिस्टा। बॉबिस्टा में क्या हुआ, सबसे पहले कि एक दोस्त ने अपने दूसरी दोस्त से एक टेलर का एड्रेस पूछा। वो टेलर के एड्रेस पर पहुंची तो उसने देखा कि टेलर दीवार की साइड में फेस करके बैठा हुआ था और अपने कॉकिक्स वाले रीजन में स्क्रैच कर रहा था। उसने जब तक उसको खुजाता रहा जब तक कि वो एरिया रॉ एंड सोर नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, फिर देखा कि उसकी कैंची भी बार बार हाथ से गिरती चली जा रही है। उसने बोला कैसा टेलर है, कैंची नहीं संभाल पा रहा है। उसके बाद लेकिन उसने देखा कि उसके हाथों पर इंप्रेशंस पड़े हुए थे। ठीक है, कैंची यूज़ कर जब लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो जो इंप्रेशन पड़ जाते हैं ब्लंट ब्लंट चीज़ों को यूज़ करने से, वो पड़े हुए थे। तो उसको लगा कि हाँ टेलर तो अच्छा है, सिलवा लेते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, वो उसको फिर बताती है कि आपकी जो कॉकिक्स पे है ये अर्टिक एरिया है। ठीक है, इसके लिए आपने कोई मेडिसिन दी, तो बोलते हैं मैंने रस्टॉक्स ली थी लेकिन वो काम नहीं की। तो वो बॉबिस्टा लिख के दे देती है, बोला ये काम करेगी। ठीक है, उसके बाद में वो नाप लेना चालू करता है टेलर, तो नीचे से चालू करता है। जब कमर पे आता है तो बोलता है इतना टाइट रखना है, तो बोलता नहीं टाइट तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, मेरे को बिल्कुल सहन ही नहीं होता कमर के आसपास बिल्कुल भी टाइट। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर बढ़ता है तो फिर जब हाथ सीधे करने के लिए कहता है उसको, तो एक्जिला में से क्या है ओनियन जैसी स्मेल आ रही होती है। टेलर कहता है कि बेटा ओनियन बहुत खाते, बोला हाँ अंकल आदत है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि वो सीधी सीधी घर पर जाती है, घर में सीधी बाथरूम में भागती हुई जाती है। माँ देख के उसे हैरान, अरे ये तो गेट खोला सीधा बाथरूम, क्या हो गया? आके पूछती है तो क्या होता, माँ मेंसेस आने वाले हैं इसलिए मेरी ये हर एक बार का है, डायरिया लग जाता है मेरे को मेंसेस से पहले और पूरे मेंसेस में भी डायरिया रहता है, अब मैं रात को भी अलग से परेशान रहूँगी। बोला क्यों? क्योंकि मेरे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो ओनली ड्यूरिंग नाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सिम्टम देखिएगा, सिम्टम के साथ में मेरी कहानी सुनिएगा और आपकी मेडिसिन तैयार 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में। नमस्कार।